मैं हूँ सुवीर। सुवीर एक्सपेरिमेंट चैनल में आप लोग का सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये इस तरह के लाइट को सोल्डिंग कैसे करेंगे। तो आप अगर नया हमारे चैनल में नया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल में क्लिक कर देना। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब जिसका ज़रूरत होगा वो ऐसे दो वायर, ये और ये, ऐसे दोनों वायर की ज़रूरत लगेगा। और ये सोल्डिंग वायर और ये हमारा जो मेन चीज़ है सोल्डिंग आयरन। तो हम कर लेते हैं। पहले हमको करना है जो इसमें ज़रा सा सोल्डिंग आयरन का ये लगा लेते हैं। तो लगा लेते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग लगा लिया हमें। देखिए इस तरफ लगा लिया और इस तरफ भी लगा लेते हैं। इसके द्वारा लगा लिए और इसके बाद हम वायर लगाते हैं। इस वायर को हम लगा लेते हैं सोल्डिंग आयरन के द्वारा, ये सोल्डिंग आयरन के द्वारा। तो देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। बस जस्ट ऐसे पकड़ना है, हो गया। जरा सा यहाँ पे इसको फैला देना है जैसे कि अच्छे तरह से मजबूती लगे। सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हो। और इस पूरे प्रयास की एक अच्छी बात ये भी है कि खिलौने आंगनवाड़ी बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं। उसका देखिए जरा ज़ूम कर, ज़रा देखिए यहाँ पे वायर उखड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं सोल्डिंग आयरन हल्का सा करके। तो इसको देखिए, इसको हम ऐसे लगा देंगे और यहीं पे थोड़ा सा धीमेज में इसको हम पुश करके अंदर घुसा देंगे। इसको ज़रा ठंडा होना देते हैं। देखिए हमारा अच्छे तरह से ये सूख भी गया है, सोल्डिंग भी हो गया है। इसके बाद हम ये इस तरफ आते हैं हमारे दूसरे वायर के साथ। मैं एक ही कलर का वायर यूज़ करता हूँ तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं होगा। आप लोग का समझ में थोड़ी कस, हम इसमें वैसे ही पुश कर लेते हैं हल्का सा करके। उसके बाद हम इसमें भी हरा सा फूंक देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए हो गया, ये एकदम इजी भी इजी है, हो गया हमारा। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं। तो देख रहे हम यहाँ पे चेक करें, ये लाइट एकदम परफेक्ट है, इस तरह से चल रहा है एकदम एकदम से। तो हम इसको लेते हैं और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। ये देखिए ये को बहुत ही अच्छे तरह से वर्क कर रहा है। इसको चलाने के लिए हमें ज़रूरत लगी है 12 वोल्ट डीसी। आज का वीडियो इतना तक, तो ये अच्छे तरह से वर्क करिए। आज का वीडियो इस तरह इतना ही।